पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था। इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में जज अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को 466/120B में उम्र कैद, 420/120 में 7 साल की सज़ा, 50,000 जुर्माना, 468/120 में 7 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना और आर्म्स एक्ट में 6 महीने की सज़ा सुनाई है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप है कि उसने 10 जून 1987 को दो नली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लेटर दिया था। उस समय के डीएम और एसपी के फर्जी साइन से प्रार्थना पत्र को मंजूरी दिला दी गई। इसी के आधार पर फिर लाइसेंस ले लिया गया था। फर्जीवाड़ा सामने आने पर सीबीसीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और तब के डीएम कलेक्टर समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उस समय आधुनिक लिपिक रहे गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज होने के 7 साल बाद 1997 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला चलता रहा। इसी फर्जी साइन करने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस समय इन्होंने एप्लीकेशन दिया आर्म्स के लिए, इनकी उम्र 20-22 साल रही होगी। तो मैंने लिखा कि उस समय 20-22 साल जब उम्र थी तब मैं एमपी एमएलए भी नहीं था और उस समय हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं थी। ऐसे सूरत में मिनिमम सजा की जानी चाहिए, ये स्वतः स्पष्ट है। तो लेकिन जो धाराएं उसमें तय हो गई हैं जिसमें उनको दोषी करार दिया गया उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। अंतिम सजा आजीवन कारावास की है। जो धाराएं हुई हैं 420, 467, 468, 120B के 120B के साथ है, इसलिए स्वतः में न्यूनतम सजा हो सकती है। उसमें आजीवन कारावास की सजा स्वतः नहीं बनती है, इसलिए इनका कोई सक्रिय भूमिका उसमें नहीं पाई। यूपी में एक ज़माने में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी और अब वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। एक वक्त था जब लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। इसके आपराधिक मंसूबे का शिकार बनने के बावजूद कई लोग गवाही देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब इस माफिया की हालत बद से बदतर हो गई है। ज़िला अदालत से लेकर देश के सर्वोच्च अदालत तक के गेट खटखटाने के बावजूद मुख्तार अंसारी को राहत नसीब नहीं हो रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।